हे गाइस वेलकम बैक, हियर आई एम यश पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग या क्लिक बैंक या फिर डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं और चाहते हैं कैरियर बनाना, पैसिव इनकम करना और जॉब छोड़ना, या फिर आपको जॉब से नफरत है, तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं बताऊंगा कि व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाई आपको क्यों करनी चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग और क्या इसके बेनिफिट हैं और आने वाले साल में क्या इसके स्कोप्स हैं। सो देखिए इस वीडियो को आखिर तक। आई होप आप इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपके अंदर भी एक एनर्जी आएगी कि कैसे आप भी इतनी इनकम कर सकते हैं जितनी मैं कर रहा हूं या जितनी फॉरेन में लोग कर रहे हैं गाइस। सो लेट गेट स्टार्टेड गाइस, कमिंग अप। सो माई नेम यश पांडे, जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं एफिलिएट मास्टर नाम से यूट्यूब पे फेमस हूँ। मैं वीडियो बनाता हूँ क्लिक बैंक एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। अब गाइस मैं क्यों वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि गाइस मैंने सबसे पहली सेल ऑनलाइन की थी जो कि है क्लिक बैंक पे एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए। फिर मैंने हफ्ते में अच्छा खासा $300-$400 अर्निंग करना चालू कर दिया। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जो इंडियन भाई हैं उनको भी सिखाऊं, ताकि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि उन्हें जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो उन्हें पसंद नहीं है वो जॉब, या फिर वो चाहते हैं कि घर बैठ के ऐसी पैसिव इनकम करें या फिर कहीं पे भी घूमें, ट्रैवलिंग करें। तो गाइस मैंने सोचा उनकी भी हेल्प की जाए साथ में। मैं तो कर ही रहा हूँ ये चीज़, अगर और भी लोग मुझसे जुड़ेंगे तो इसमें मेरा ही प्रॉफिट है गाइस, क्योंकि इंडिया में अभी कोई भी ये चीज़ नहीं कर रहा है कि जो कर भी रहे हैं वो विदाउट रिजल्ट बात करते हैं। मैं विदाउट रिजल्ट बात नहीं करता हूँ, मेरे आप जितने भी वीडियोस देखेंगे सब में आपको मैं पूरा दिखाता हूँ कि मेरी कितनी सेल हुई है। और गाइस मैं अपने जो स्क्रीनशॉट है सीधा स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ मैं अपनी लैपी की, जिससे आपको पता चले कि मेरी सेल भी हो रही है, मैं बस बातें नहीं करता हूँ। तो ऐसे ही मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी सिखाया जाए और आप लोग सब मुझसे जुड़ेंगे तो मेरी ग्रोथ होगी और मैं आपको सिखाऊंगा तो मुझे भी सीखने को मिलेगा बहुत कुछ आपसे। सो अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का स्कोप और एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है या फिर क्लिक बैंक के बारे में, तो नीचे कमेंट करना गाइस। अगर कमेंट ज़्यादा आएंगे तो मैं ज़रूर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इन हिंदी। सो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, जस्ट लाइक मेरी एक कंपनी है जिसमें मैं कार बेचता हूँ। तो अगर मैं कार बेचता हूँ और आप एक इंडिविजुअल आप चाहते हैं उस कार से अर्न करना, तो आप क्या करेंगे, अगर आप मेरी कार को प्रमोट करेंगे ऑनलाइन, अगर कोई आगे उस कार को परचेज़ करेगा और वो आपका नाम बताएगा तो मैं आपको कुछ परसेंट कमीशन दूंगा। सो बेसिकली ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें ना ही आपकी कार है, ना ही आपकी कंपनी है, ना ही आपको मेरे पास आना है, आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन भी मेरी सेल करवा सकते हैं। ऐसे ही क्लिक बैंक में, क्लिक बैंक जो साइट है एफिलिएट साइट जिसको बोलते हैं, लाखों प्रोडक्ट्स हैं गाइस, डिजिटल प्रोडक्ट जिनको हम बेच सकते हैं घर बैठे और कमीशन अर्न कर सकते हैं अच्छा खासा। सो सोच सकते हैं आप इसमें कितना स्कोप है, क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्ट्स नहीं है गाइस जो आज ख़त्म हो जाएंगे या कल ख़त्म हो जाएंगे, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं और बढ़ने ही हैं, घटने तो है नहीं। और डिजिटल का ज़माना बढ़ना है, ऐसा भी नहीं होना कि एकदम से इंटरनेट बंद हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होना, अभी तो स्टार्ट हुआ है गाइस। तो जब तक आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है गाइस, इंडिया में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबके पास, क्योंकि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और मैंने इसको ग्रैब किया, इसलिए मैं इतने आगे हूँ। और अगर आप भी अभी स्टार्ट कर देंगे तो जितने फ्यूचर में लोग आने वाले हैं आप भी उनसे आगे हो जाएंगे। सो आपको एक कदम आगे की सोचनी है, ऐसा नहीं कि घर पर आपके घर वाले बचपन से आपको 9 to 5 जॉब करने के लिए तैयार कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप उसी में फोकस किए हो और उस वजह से काफ़ी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं इतना अच्छा होशियार लोग, जिन जो टॉपर्स थे जिनके होर्डिंग्स में फ़ोटो आती थी, मेरी नहीं आई कभी होर्डिंग में फ़ोटो, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन वो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसी फ़ोटो का कि जिससे ना उनकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है और उनको ये भी डर है कि आगे प्राइवेट भी वो कर पाएंगे, क्यों नहीं, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो चुकी थी अपने उससे और इतनी पढ़ाई की उनकी उन्होंने इतनी पढ़ाई की, और जब उनको रिजल्ट्स आते हैं इतने तो वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन कितना है गाइस। तो उस स्ट्रगल से तो अच्छा है, मैंने सोचा जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स अभी भी स्टडी कर रहे हैं कोटा में या कहीं स्टडी कर रहे हैं, और उनको जब जॉब भी लगेगी तो कितना मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ ज़्यादा एक्सपेंड, मैं हाईएस्ट मान लेता हूँ चलो 60,000-50,000 अगर कोई अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो, लेकिन मैं अभी इस टाइम एक हफ्ते में या एक दिन में इतना कमा लेता हूँ। कभी कभार मैं
60,000 एक दिन में नहीं गाइस, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, एक दिन में मतलब मैं इतना तो कमा लेता हूँ जितना जॉब में नॉर्मली मिलता है, जैसे कि $224, ये कितना होता है अप्रोक्स 16,000-17,000, तो ये मैंने एक रात में कमाया है, एक रात में, समझ सकते हैं ना आप। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि कितना कमा सकते हैं, कितनी पोटेंशियल है इस चीज़ की। अभी मैं एक रात में कमा रहा हूँ, मैं पर डे नहीं कमा रहा हूँ, मैं ये नहीं कि बोलता हूँ मैं पर डे कमा रहा हूँ, बट मैं कमा रहा हूँ और मुझे पता है मैं उनसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। ये एक हफ्ते की अगर मेरी टोटल अर्निंग जोड़ी जाए एक मंथ की, तो मेरी $1,000 के ऊपर होती है, जो कि हो गया 70,000 और 80,000 के अप्रोक्स। तो अभी मेरे एज के बंदे स्टडी कर रहे हैं लेकिन मैं इतना कमा रहा हूँ। सो आप भी कर सकते हो ऐसा, और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे घर से हो या इन आपका फाइनेंशियल क्या है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था फ्री मेथड से किया था, जब मेरी अर्निंग होने लगी देन मैं स्विच किया पेड मेथड पे, और इसी के लिए मैंने एक अपना कोर्स भी बनाया है। जो लोग पैशनेट हैं या जो चाहते हैं कि हाँ मुझे एफिलिएट मार्केटिंग ही करनी है, उनके लिए मैंने एक खास कोर्स भी बनाया है, ऑनलाइन कोर्स। थोड़ा एक्सपेंसिव कुछ लोगों को लगता है, बट गाइस मेरी मानिए तो आपने लाखों रुपए अपने एजुकेशन में फूंक दिए हैं, अपने ग्रेजुएशन में फूंक दिए हैं, अभी तक आपको जॉब मिलती भी है तो कैसी मिलती है सबको पता है, और नहीं भी मिलती है, कई लोग कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं गाइस। तो उन लाखों रुपए से तो अच्छा है कि आप कुछ छोटा अमाउंट स्पेंड करके एक कोर्स ऑनलाइन खरीद लें जिससे आप लाखों कमा सके। जैसे कि मेरा कोर्स है, मैं अपने इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कैसे मेरी जर्नी रही, क्या क्या मैंने किया और कैसे मैं करता हूँ। सो उनके लिए कोर्स है जो ज़्यादा ही पैशनेट है। अगर आप नहीं खरीद सकते कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन वीडियोस देखिए। तो एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत ही आगे तक है, और अगर आप एक इंडिया में एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जो लोग ड्रीम करते हैं, सपने देखते हैं, मैं भी सपने देखता था, मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं 17,000 का स्मार्टफोन खरीदूंगा। मैं ये आपको दिखाने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ, ये है Realme XT। तो ये आपने ऐड भी सुनी होगी, 64 मेगापिक्सल कैमरा इसका, वर्ल्ड फर्स्ट। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। बेसिकली ये मेरा पहला स्मार्टफोन है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है। इसके पहले मेरे पास जो स्मार्टफोन था उसमें पीछे भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं था। तो ये बात किसी को दिखा नहीं रहा मैं कि मैं अर्निंग कर रहा हूँ इसलिए मैंने खरीदा है, या फिर मैं खरीद सकता हूँ, मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैं भी आपकी जगह था एक दिन, और आज मैं ये 17,000 का स्मार्टफोन चला रहा हूँ। ये मैंने इसलिए ख़रीदा क्योंकि इसका यूज़ था। आप वेस्ट नहीं करिए रुपए, मैं ये नहीं कहता हूँ आप वेस्ट करिए या फिर मैं वेस्ट कर रहा हूँ, इसका यूज़ था क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ इससे। सिर्फ खास मैंने ये दिखाने के लिए आपको आज मैंने पुराने स्मार्टफोन से ये वीडियो शूट किया। अब ये गाइस मैंने स्मार्टफोन ख़रीदा है बिल्कुल कैश 70,000 पे करके, विदाउट EMI। लोग ज़्यादातर EMI पे खरीदते हैं चीज़ें, लेकिन मैंने ये दिल्ली में ख़रीदा। मैं दिल्ली में जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, तो मैंने सोचा अच्छा लगा स्मार्टफोन, मैंने कहा खरीद लिया जाए। सो बेसिकली ये मैं आपको दिखाने के लिए नहीं, या फिर मैं जो घूमने जाता हूँ ट्रिप पे जाता हूँ इतनी जगह, तो ये मैं इसलिए नहीं बताता हूँ। कई लोग कमेंट करते हैं कि तू क्यों बताता है मुझे कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ गाइस कि मैं भी आपकी जगह था, और अब मैं वो चीज़ कर पा रहा हूँ जो मैंने सोची नहीं थी, या फिर जो मैं करना चाहता हूँ वो। तो गाइस आप भी कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों निराश हो, या आप क्यों सोचते हो कि अगला बंदा कमा रहा तो मैं नहीं कमा पाऊँगा? आप भी कमा सकते हो, और मानिए 2020 आपका साल का सबसे सक्सेसफुल ईयर होने वाला है, अगर आप ये माइंड में बिठा लें कि आप भी एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर आप भी ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। सो मैं ये गारंटी देता हूँ गाइस, अगर आपके अंदर ये पैशन है तो 2020 इज़ योर सक्सेस ईयर गाइस। जो आप ड्रीम सपने करते थे वो सब होगा हकीकत में, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, या फिर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में मतलब मेरे साथ जुड़े रहें या ना जुड़े रहें कोई मैटर नहीं करता गाइस। आप लोगों की ज़िंदगी है, आप लोगों का फैसला है, आपको बस डिसीजन ये लेना है कि आपको करना क्या है। ऐसा नहीं कि आप साथ में पढ़ाई कर रहे हैं IAS की। कई बंदे हैं मुझे कमेंट करते हैं कि मैं IAS की पढ़ाई कर रहा हूँ सर, मैं सोचता हूँ कि साथ में एक अर्निंग होने लगे इसलिए मुझे क्लिकबैंक करना है। गाइस आपके लिए नहीं है ये, क्योंकि IAS जितना कठिन है ऐसे ये भी कठिन है। अगर आप चाहते हैं करना, ये भी हलवा नहीं है कि घर बैठे कमा रहे, इसमें आपका होना चाहिए पैशन। अगर आपका पैशन है तो गाइस मैं जैसे कमा रहा हूँ आप भी कमा सकते हैं, लेकिन एक जगह पे फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 जगह और इसको आप सोच रहे हैं ये इतना सरल है कि मैं साथ साथ में कर लूँगा।
नहीं होगा गाइस। बट अगर आप जैसे इसको इसमें पैशनेट हैं और साथ में आप कुछ भी करते रहें वो मैटर नहीं करता है, लेकिन इसमें पैशन दिखाना ज़रूरी है। तो आपका पैशन होना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग में, इसको बहुत ज़्यादा है गाइस। और बात की जाए कि जॉब्स वगैरह अगर चाहिए आपको तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे तो मैं आपको 12 गूगल के सर्टिफिकेट्स दूंगा डिजिटल मार्केटिंग के, जिसकी मदद से आपको मिल सकती है इजीली किसी भी प्राइवेट कंपनी में एज अ डिजिटल मार्केटर जॉब। डिजिटल मार्केटर होता क्या है बेसिकली, जो प्रोडक्ट्स को डिजिटल मार्केट करते हैं, जस्ट लाइक जैसे मैं क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को बेचना बताता हूँ वही सेम चीज़ होती है डिजिटल मार्केटिंग। तो कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को बेचेंगे, तो ऐसे ही आप किसी कंपनी में जाके उसके प्रोडक्ट्स को भी बेच सकते हैं। इसके लिए काफ़ी जॉब्स हैं, आप सर्च करिए naukri.com या किसी भी साइट पर, लाखों जॉब्स हैं और लोगों के पास स्किल्स नहीं हैं, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट ऐसी स्किल्स सिखाती हैं, जैसे मैंने भी एक इंस्टीट्यूट से सीखा था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा गाइस, पर गाली निकलती है सच में, मैं उस इंस्टीट्यूट का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी की भी इमेज ख़राब करना है। बट जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं सारा कचरा सिखाती हैं, इनको थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, 1% प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है इनको। मैंने सारी क्लासेस ली हैं, मुझे पता है, मुझे मैंने डिप्लोमा भी कंप्लीट नहीं किया, मैंने डिप्लोमा भी नहीं लिया, उसके पहले ही उस इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया था। सो मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसे किसी चक्कर में ना पड़ जाएं। और दिल्ली में ऐसी कई इंस्टीट्यूट हैं जो 60,000 से 1-1 लाख रुपए लेती हैं कचरा सिखाने के, तो ऑलरेडी इतना कचरा आपके दिमाग में पहले से ही है, क्यों और भरना। तो इससे अच्छा जो कचरा उसको निकालें और अच्छा अच्छा भरें। तो इसलिए ये मैंने कोर्स लाया है, इस कोर्स का प्राइस है 8,000, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ 8,000 प्राइस है, जो 60,000 प्राइस है दिल्ली में उसका ही ये प्राइस है 8,000, जिसमें आपको वो सब कुछ सीखने को मिलेगा जो वहाँ सीखते हैं। बस SEO वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि SEO वगैरह मैं नहीं सिखाता, मैं सिर्फ वही मेथड सिखाता हूँ जो रियल में काम करते हैं। SEO अगर आप सीखेंगे तो आपको साल भर लग जाएगी अर्निंग करने में। सो अगर आपको जल्दी अर्निंग करनी है या फिर जॉब करनी है, अगर आप, मैं नहीं कहता कि जॉब बुरी है, जिसको जॉब पसंद है वो जॉब कर सकता है, गो फॉर इट गाइस, मैं आपके साथ हूँ। आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट के टेस्ट देंगे, गूगल से आपको सर्टिफाइड किया जाएगा, 1 साल के लिए वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। उसके बाद अगर जब भी आपको फिर से करना हो तो फिर से आप वो टेस्ट देंगे, फिर से 1 साल के लिए आपका सर्टिफिकेट वैलिड हो जाएगा। तो आप डिजिटल मार्केटिंग पूरी प्रॉपर सीखेंगे, उसमें आपको क्लिक बैंक ये सब एफिलिएट मार्केटिंग सब सिखाया जाएगा, और आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कठिनाई हो रही है स्टार्टिंग में ऑनलाइन अर्निंग में, तो आप किसी जॉब को ज्वाइन करके साथ में ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में किया था। पर मैंने जब देखा कि मेरी जो ऑनलाइन इनकम है वो अपनी मेरे एक जो महीने में जो सैलरी मिलती है उतना मैं एक दिन में कमाने लगा, तो मैंने उस जॉब को फिर छोड़ दिया। सो ऐसा आप भी कर सकते हैं गाइस। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा एफिलिएट मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस इन फ्यूचर, और कैसे आप भी स्टार्ट कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग इन 2020। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अपना ओपिनियन जरूर लिखना ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपके अकॉर्डिंग आए, जो आप चाहते हैं वही आए। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर दिस टाइप ऑफ वीडियोस गाइस, एंड बेल आइकन को भी दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, पीस आउट एंड गॉड ब्लेस यू।